हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम, आपका अपना चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा आईफोन का लैब है जो कि हमारा पहला बैच है जो कि 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो आज यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसके पास आईफोन 6 है और इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर ग्राफिक नहीं आ रहा है और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ही इसका ग्राफिक आईसी को लगाएंगे और लाइव आपको इसे ऑन करके बताएंगे। तो थोड़ा ये अपना नाम बता दीजिए थोड़ा। सर, मेरा नाम संकेत मिश्रा है। सर, संकेत मिश्रा कहाँ से है संकेत जी? सर, मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए, कितने साल से काम कर रहे हैं? सर, मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ आईफोन और एंड्रॉइड में। जी हाँ जी सर। और आईफोन जब आपके पास पहले आते थे तो क्या आप उस पर काम कर पाते थे? नहीं सर, डर लगता था कि कुछ खराब हो जाएगा तो कस्टमर को भर के देना पड़ेगा, तो सर दूसरे से काम करवा के लेते थे पहले। हाँ, तो आईफोन अगर तो फ्रेंड जैसा कि बोल रहे हैं कि आईफोन जब इनके पास आता था तो ये इनको डर लगता था कि कहीं ये सेट डेड ना हो जाए, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं था तो ये किसी और टेक्नीशियन के पास ले जाते और उससे काम करा के देते थे। जैसा कि इनकी आज यहाँ पे 6 दिन की क्लास हुई है, तो अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे 6 दिन के बाद? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर, यहाँ पे बेसिक्स भी बताया गया। हाँ, ट्रेसिंग का भी नॉलेज दिया है सर। हाँ, बेसिक और ट्रेसिंग और सप्लाई और कंपोनेंट की नॉलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसी रिवॉल्व करना, सीपीयू खोलना लगाना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी जरूरी है सीपीयू भी, लेकिन फोन जब प्रॉपर अगर बनाना होता है तो उसमें अपने को सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए, कंपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रॉब्लम आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। तो जैसे कि आपको सर यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ZXW खुला हुआ है, तो आप ZXW हो या फिर वूजिंग हो, दोनों का आप ट्रेस कर सकते हैं ना उसमें। फॉल्ट अगर आपको आ जाए तो कोई भी फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो जैसा कि अब ये ग्राफिक ऐसी है तो आप यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर। हाँ, ये ग्राफिक सर, इसमें iPhone 6 है सर ये। जी, तो इसमें ये ग्राफिक ऐसी लगी हुई है सर। जी हाँ, ये ZXW पे बता रहा हूँ सर मैं। जी, तो इसमें सर ये IC चलने के लिए इसमें 4 लगते हैं इनपुट 4 सप्लाई की जरूरत होती है। कुछ इनपुट होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं, कुछ EN सिग्नल होते हैं। हाँ जी सर। जी, तो आपको ये पता है ना कि कितना वोल्ट इसमें बनता है, कैसे बनता है और इनपुट की सप्लाई क्या है, आउटपुट की क्या है, ये आपको पता है ना? ये यस सर। ठीक है, यहीं पे सीखे हो ना आप आगे? यस सर, सर ने आपको गाइड किया है। बिल्कुल सही है सर। कैसा सिखाते हैं सर? लास्ट मंथ में सर एक इंस्टीट्यूट में गया था सर। लास्ट मंथ में सर एक इंस्टीट्यूट में गया था। ठीक है, उसका नाम मत लो, नाम मत लो, बस बोल दो। तो बड़ी इंस्टीट्यूट है सर वो। तो वहाँ पे सर 10 दिन का कोर्स हुआ था। जी जी। पर सर उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल बताया गया, मतलब थ्योरी बताया गया सर, प्रैक्टिकल करवाया नहीं गया। अच्छा। तो सर वो बोले कि आप जाके कर लेना। अच्छा। तो सर उसमें मतलब सर कोई प्रॉब्लम आता है तो कोई बता नहीं पाता है कि कैसे उसको मतलब सॉल्व करें। सही बात। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा देते हैं या खाली बातें करते हैं, पूरा प्रैक्टिकल काम होता है सर? प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल होता है। कितने घंटे की क्लास होती है सर? ये 11 बजे से चालू होती है सर और 9:30 तक चलती है। 9:30 लगभग 10 से 12 घंटे की क्लास होती है आपको, और पूरा प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी भी जरूरी है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है। खाली अगर मैं आपको एक सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके 2 दिन में अगर बिठाना और बता के भिजा दूं तो क्या आप हैप्पी होगे उससे? नहीं सर। हो गए डायरेक्ट? क्या आप सीपीयू पे काम करना चाहते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल। क्योंकि एक मोबाइल को बनाने के लिए आपको पूरी सप्लाई की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर मोबाइल में सीपीयू का तो फंड नहीं आता। जैसे कि लाइट बनाना है तो सीपीयू को आपको छेड़ना नहीं है, ग्राफिक बनाना है तो नहीं छेड़ना है। जब आपके पास ऐसा मोबाइल आ जाता है जिसके अंदर सीपीयू आपको निकाल के रैम निकाल के रिवॉल्व करना है, तभी उस पे जाएंगे आप। जनरली आपको बहुत सारे मोबाइल के अंदर फॉल्ट आते हैं, लाइट हो गया, ग्राफिक हो गया, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है, टच काम नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे फॉल्ट है। तो आजकल ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट में बताया जा रहा है कि 1 दिन में सीपीयू रिवॉल्व करके लगा दें, 2 दिन में लगा दें। क्या ये आपको लगता है कि पॉसिबल है क्या 1 दिन में काम करना? नहीं सर, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 3 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 1 दिन में कोई बंदा 8 सीपीयू का रैम भी निकाल दिया, सीपीयू भी निकाल दिया, रिवॉल्व करके लगा के सेट ऑन कर सकता है क्या? नहीं कर सकते सर। ठीक है, तो आज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो iPhone 6 के अंदर? सर ये मैं ग्राफिक ऐसे पे काम कर रहा था सर। हाँ, तो इसमें सर 4 वोल्टेज आते हैं इनपुट में सर। एक तो VCC होता है सर 4.2 वोल्टेज, ठीक है, और दूसरा होता है सर इसमें 1.8 का इनेबल आता है सर, पावर से आता है सर ये। जी, और चौथा होता है सर SCL, I2C लाइन होती है सर ये, क्लॉक लाइन होती है, और ये भी 1.8 वोल्ट की होती है, और डेटा लाइन होती है I2C, ये भी 1.8 वोल्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमको वीडियो में तो बताना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे नॉलेज सीखने मिला, सर से मिला है ना आपको नॉलेज? बिल्कुल। तो ठीक है, अभी लगाइए IC और बताइए। नहीं, लगाने में लगा।
हो उनको मिलो। तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ की एक खास बात ये होती है एशिया टेलीकॉम की कि यहाँ पे हम मास्टर जो है स्टूडेंट को करके बताते हैं, क्योंकि हमारा स्लोगन ये है वी टीच यू एंड यू फिक्स इट। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा स्टूडेंट से हम यहाँ करवा रहे हैं, आप लाइव देख सकते हैं कि स्टूडेंट खुद यहाँ पे आईसी लगा रहे हैं और कस्टमर से पैसे लिए और दे दिया बस। हाँ, उससे अभी आप एक आईफोन 6 का आईसी निकाल के लगाए हो तो अभी आपका डर में कितना डिफरेंस आ गया, अभी कुछ डर नहीं है। दर्द की बात तो छोड़ो, इतना कॉन्फिडेंस है सामने वाला अगर मुझसे पूछेगा ना कि भाई आईफोन बनाएगा, मैं बोला एक नहीं दो दे मेरे को। क्या बात, कहाँ है मार्केट में कितने मोबाइल है मेरे को। 6 दिन की क्लास हुई आपकी और इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ चुका है। सर ये कॉन्फिडेंस तो सर सैयद सर की है। देखो मैं सर कहूंगा की सैयद सर ने हमको इतना गाइड किया है कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम जब आया था तो देखो हर इंस्टीट्यूट में हर बंदा सोचता है कि पैसा दूं या ना दूं। सही बात, मेरे माइंड में था कि एक दिन मैं डेमो क्लास लूंगा, पैसे मैं अपनी पॉकेट से निकालता हुआ डर रहा था। तो पहले दिन हमने क्या आपसे पैसे ले लिया क्या? नहीं सर नहीं, मैं इन्होंने सही है सर ने आके इतना कॉन्फिडेंस दे दिया तो मैं सोच रहा फिर मैं अपने आपको गलती फील करने लगा कि नहीं मैंने गलत किया, मुझे फंड टाइम में दे देना चाहिए था। बात पैसों की नहीं है, बात काम की है। वैसे भी हम यहाँ पे एक दिन में पहले दिन हमारे ना हार्डवेयर में लेते हैं ना ईएमसी में लेते हैं ना आईफोन में, कभी पैसा पहले लेते नहीं है। पहले दिन पूरा हमारा यहाँ पे क्लास होता है, डेमो क्लास बोलते हैं लेकिन पूरा का पूरा दिन में क्लास ही चलता है। सर आधा कॉन्फिडेंस तो मेरा वीडियो में था, जो मैं आपकी वीडियो देखता था 6 महीने पहले मैंने पैसे डाले थे, पर मैं आते वक्त सोच ही रहा था जाऊं या ना जाऊं, जाऊं हिम्मत करके सर मैं इधर आ ही गया। मैंने कहा करना ही, यहाँ पे एक चीज पूछूंगा, जैसा आप वीडियो देख के यहाँ आए थे तो लगता था होगा कि रियल है कि फेक है क्या है, और आज यहाँ पे आप खुद ठहर के ये रिव्यू दे रहे हैं तो क्या ये फेक रिव्यू है क्या? नहीं सर फेक नहीं है, मैं पहले खुद सोचा था जब आदमी यहाँ खुद आएगा ना उसको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ काम होना है या नहीं होना है। जबरदस्ती आपसे बुलवा कुछ नहीं सर, कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं। मैं कह रहा ना अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अदर वीडियो बना के डाल दूंगा सर, अगर मुझे लगेगा कि आप लोग मुझसे कह रहे हैं तो मैं कोई परमानेंटली तो यहाँ नहीं रहूंगा। ऐसा सिखाते हैं सर? सर सैयद सर को तो मैंने गुरु मान लिया अपना के लाइफ टाइम अगर कोई होगा तो बस सैयद सर ही है। और इसके टेलीकॉम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। ठीक है चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइव इन्होंने अभी ग्राफिक आईसी लगाया है, और भी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, थोड़ा सा इनको भी बता दो आप क्या कर रहे हैं। सर सर मैं रिबोलिंग कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है करिए, ठीक है इनकी तरफ ले लो, आईसी मैंने लगा दिया है वो बना ऊपर 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 यहाँ यहाँ देख लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने आईसी को लगा लिया है, अभी इसको हम ऑन करके देखते हैं सेट को, और डिस्प्ले भी लगा लीजिए। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए मोबाइल इनका ऑन हो चुका है, ग्राफिक इसमें आ चुका है, और देखते हैं मोबाइल को ऑन होने देते हैं। एक बार इनके लिए जोर से ताली मार दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम जो काम कराते हैं हमारे स्टूडेंट से, जैसा कि लाइव आपने देखा है इन्होंने इसका आईफोन 6 का ग्राफिक आईसी निकाला है, रिवॉल्व करके खुद से लगाया और वन टाइम में सक्सेस हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे स्टूडेंट ही करते हैं यहाँ पे, तो एक थोड़ा सही आ जाइए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मोबाइल अभी पूरी तरह से ऑन हो चुका है। साहिर भाई थोड़ा सही बोलो, मोबाइल को बताओ सर क्या बात है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोबाइल अभी ऑन हो चुका है, ग्राफिक आ चुका है, इसमें पूरा ऑन होता है कि नहीं देखते हैं।
तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आईफोन इज डिजेबल लिख के आया है, जैसा कि पूरा तरह से ऑन हो चुका है। हाँ तो थोड़ा सा पीछे आ जाए। तो साकेत क्या नाम बताया? संकेत जी, अभी आपने एक आईफोन का आईसी निकाला है, लगाया और वन टाइम में सक्सेस हुआ है, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले और आपके साकेत में और आपके साकेत में कितना डिफरेंस आ गया है? सर बहुत डिफरेंस आ गया। क्या कहना चाहोगे जो आपका वीडियो देख रहे हैं, आपकी तरफ कोई आईफोन आके यहाँ सीखना चाहता है तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर यहाँ पे जो भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे सब प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, जो हमें सुबह जो थ्योरी करवाई जाती है उसी का हम लोग लंच के बाद प्रैक्टिकल करते सर, और सारे मतलब सॉल्यूशन जो भी वो लाइन में मतलब वो पार्ट में जो भी फॉल्ट आएगा तो वो बताया जाता है सर कि कैसे सॉल्व करें, पूरा प्रैक्टिकल होता है ना यहाँ पे। यहाँ पे हमने आपको बोला कि 10 मोबाइल अपने साथ लाइए, है ना, तो हमारे पास दोस्तों अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो 10 मोबाइल आप अपने साथ ला सकते हो, जिसको हम यहाँ पे लाइव आप ही से रिपेयर करवाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इंडिया का मोबाइल इंस्टीट्यूट कौन है? ऑल ओवर कैसा एक्सपीरियंस है आपका? टोटली देखे तो बहुत एक्सेंट्रिक हूँ मैं सीखने के बाद। अब जाने जाकर काम करने के लिए लेकिन प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, यहाँ तो बहुत नॉलेज मिल गया मेरे को, जाके प्रैक्टिस भी बहुत करना है। तो क्या कहना चाहोगे नए स्टूडेंट अगर आते हैं यूएमसी करना चाहते हैं या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो उनको क्या बोलना चाहोगे? सर वो जो भी वो डिसीजन लेंगे तो वो बिल्कुल सही रहेगा, अगर यहाँ आएंगे तो सही डिसीजन होगा, अगर कहीं और जाओगे तो आप घूमते रहोगे बस काम में, हर जगह घूमते रहोगे, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आप काम एकदम परफेक्टली सीखना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा और आपको कहीं फिर बाद में किसी से भी कोई हेल्प जाने की जरूरत नहीं, इधर जाने की जरूरत नहीं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद एमएमसी डायरेक्ट, क्योंकि मैंने वही किया था, हार्डवेयर किया सॉफ्टवेयर भी किया, प्लस में सॉफ्टवेयर तो आता था लेकिन उसमें भी मेरे को सर और डॉट्स निकल गए जो मैं नहीं करता था मार्केट में। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाके सीखना है, अभी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना जरूरी है। इसी पे स्टूडेंट आके यहाँ सीखना चाहते हैं तो उनको क्या बोलना चाहिए? आप कहीं भी नहीं जाना है, खाली एशिया टेलीकॉम चूज कर लो, नंबर वन बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जाना है, बाद आप खुद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने बाद नंबर वन आ जाएगा। दिल से बोल रहे हो आपके, मैं जबरदस्त बोल रहा हूँ, मैं ऐसा दिल से कह रहा हूँ। दिल से अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एकदम 100% फुल प्रैक्टिकल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको किताब कापी भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज हो मोबाइल में जितने सारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा होता है, किस सेक्शन में लगा होता है, क्या काम करता है, इसमें कौन कौन सा वैल्यू आता है, और जब ये खराब होगा तो इसमें कौन कौन सा कितना कितना वैल्यू दिखा सकता है, यहाँ 100% पूरी इसकी जानकारी दी। यहाँ पर आपने साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए? 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए? यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी, जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को? एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, 5 बार, 3 बार, 6 बार, 3 बार, 6 बार किया, 5 बार, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार, 3 बार किया, 2 बार। अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड, 7 बार, वेरी गुड, 2 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने, 4 बार किया, वेरी गुड, 5 बार, 2 बार, इसमें से 2 बार, 2 बार। तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, 2 बार कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर भी बोलना है बात, ठीक है, अच्छा ठीक है, आदि चले। आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो, कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना। 8 बार बैठे रहकर, 8 बार किया तुमने? 3 बार सर, 3 बार, 2 बार, 2 बार, नंबर बोलते रहो, 2 बार सर, 2 बार, नंबर बोलते रहो बस, 14 बार सर, 14 बार, क्या बात कर रहे हो इतना,
दो बार किया ये फेक तो नहीं बनना है बताओ तीन बार ऑन मोबाइल में बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रिबॉलिंग आती है जिनको हाथ उठाइए जिनको रिबॉलिंग आती है सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर चलिए ठीक है हाथ नीचे के लिए किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया हाथ उठाइए तो यहाँ पर सबने चालू किया यहाँ पर पांच दिन का आउटपुट बता रहा हूँ सिर्फ पांच दिन की पांच दिन में अभी तीस दिन की क्लास है नीचे रख लो आप 30 दिन की क्लास है और आपने से 5 दिन में बता रहे कि आपने किया किसने एक से ज्यादा बार किया आपने नंबर बोलिए हाथ उठाइए नंबर बोलिए पांच बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया मैंने छह बार सर पांच बार सात बार दो बार बोलते जाओ नंबर बोलते जाओ तीन बार पांच बार सर चार बार दो बार पांच बार सर पांच बार तीन बार दो बार तो यहाँ पर आप लोग ने दो बार तो चार बार यहाँ पर ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर के डायग्राम के अच्छा किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा मुझे बताओ सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं रिसीवर और रिंगर जिस